नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में यदि आपने आवेदन किया है तो उसकी रसीद आप घर बैठे ऑनलाइन फ्री में कैसे डाउनलोड करोगे, इसमें आपको क्या दस्तावेज लगेंगे। संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में आवेदन फॉर्म फिल किया है तो आपका जो रसीद है, ऑनलाइन रसीद आप घर बैठे कैसे फ्री में डाउनलोड करोगे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा। तो दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में जानकारी बताई थी कि आप अपनी लिस्ट कैसे देखोगे, सेम उसी प्रोसेस से आपको अपने जो स्केट होल्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और जो सबसे पहली लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई टैब खुलेगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर का बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना और सबमिट पर क्लिक करना है। यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी हमने आपको पिछले वीडियो में लिस्ट बताने के बारे में बताया था वैसे ही यहाँ पर आपको सबसे पहले लिस्ट चेक कर लेनी है। लिस्ट चेक करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप लिस्ट देखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो जो सबसे पहले बेनिफिशियरी आईडी दिख रही है, ये बेनिफिशियरी आईडी को आपको सिंपल से कॉपी कर लेना है। जो भी बेनिफिशियरी आईडी जिसका भी आप लिस्ट यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना में जिसका भी आपको आवेदन निकालना है, उस बेनिफिशियरी की आईडी आपको इसके जो भी है उसको कॉपी कर लेनी है। उसके बाद में हमें पुनः होम पेज पर आना है प्रधानमंत्री आवास योजना के, और यहाँ पर पुनः हमें स्केट होल्डर का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर हमें पुनः जो फर्स्ट वाली लिंक दिख रही जहाँ से हमने लिस्ट चेक करी थी वही वाली ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने कॉपी किया था वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर देना है, और सिंपल से आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से पुनः आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें सबसे पहले बेनिफिशियरी डिटेल, जिसमें स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम और गांव का नाम दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम दिखेगा, पिता पति का नाम दिखेगा, जेंडर दिखेगा, कैटेगरी, सारी जानकारी आपकी जो भी आपने आवेदन फिल करते समय दी थी वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। उसके बाद में जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल शो होगी। तो यदि आपका ये जो रसीद है, इस रसीद में आपको अभी बैंक डिटेल शो नहीं हो रही है, क्योंकि जब तक इसका वेरिफिकेशन जिला पंचायत के द्वारा होगा, जिला पंचायत में वेरिफिकेशन के बाद में जो है दोस्तों, यदि आप इसमें पात्रता रखते हैं तो जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक खाता है यानी कि आधार से DBT एक्टिव है, NPCI एक्टिव है, उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको शो होगा, और उसी बैंक में आपको क्या अलाट हुआ है, कितनी राशि अलाट हुई, कब अलाट हुई, वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको शो होगी। तो इसको आपको कंट्रोल पी पर प्रेस करना है, और कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद में ये जो रसीद है इसकी रसीद आप प्रिंट कर ले, और प्रिंट करने के बाद में रसीद अपने पास सुरक्षित रख ले। यह आपकी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की जो आवेदन की रसीद है वो आपकी इस तरीके से रहेगी। तो दोस्तों, घर बैठे आप मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की जो रसीद आपको आवश्यकता है यदि, तो आप इस तरीके से अपनी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की रसीद आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना है। हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।